शिक्षण का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कल मिला था और केंद्रीय विधि मंत्री को हमारी मांग जो है हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की उससे अवगत करने की वार्ता हुई। उन्होंने बाहर के पदाधिकारियों को, अजमेर के जनप्रतिनिधियों को, सबको आश्वस्त किया कि अजमेर की इस मांग को उनके साथ जो बीकानेर, कोटा, उदयपुर की जो वर्चुअल बेंच की प्रक्रिया चल रही है उसके साथ जोड़ा जाएगा। हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की मांग को लेकर कल अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल की माननीय केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से सकारात्मक वार्ता हुई। उन्होंने बाहर के पदाधिकारियों को, अजमेर के जनप्रतिनिधियों को, सबको आश्वस्त किया कि अजमेर की इस मांग को उनके साथ जो बीकानेर, कोटा, उदयपुर की जो वर्चुअल बेंच की प्रक्रिया चल रही है उसके साथ जोड़ा जाएगा। क्या अजमेर में काम हो रहा है? अजमेर में इसी मुद्दे को लेकर काफ़ी टाइम से अधिवक्ताओं में रोष होने के कारण स्ट्राइक चल रही थी। अब कल हमारी वार्ता हो गई 31 तारीख तक का। हमने 31 तारीख को हमारे लास्ट वर्किंग डे पर वैसे ही इसी मांग को लेकर 20 साल से स्ट्राइक चलती आ रही है और अब जब हमारी मंत्री जी से सकारात्मक वार्ता हुई है और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है तो अब हम कार्यकारिणी की मीटिंग कॉल करके और इस बारे में आगे का निर्णय लेंगे। जी, हम न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कल मिला था और केंद्रीय विधि मंत्री को हमारी मांग जो है हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की उससे अवगत कराया था। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा है कि अजमेर की मांग को भी अजमेर, बीकानेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर के साथ में शामिल करते हुए प्रक्रिया में लाएंगे और अजमेर के साथ उन्होंने आश्वस्त किया कि अजमेर के साथ स्वतः व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि उनकी मांग, हमारी मांग को वो सकारात्मक रूप से देखेंगे और जल्द ही अजमेर के लिए भी कोई ना कोई वो घोषणा अवश्य करेंगे। आज हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग कॉल की गई है और आज के दिन तो वर्क सस्पेंड रखा गया है और 31 तारीख को हमारा लास्ट वर्किंग डे के कारण कार्य स्थगित रहता है, ये पिछले 30 वर्षों से। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, UP में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर, कोटी।